और हम कोर्स पढ़ रहे हैं आए नमाज़ समझिए और कुरान समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से आ, हम शुरू में कुरान मजीद की एक आ, आयत का हिस्सा पढ़ते हैं ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान को अल्लाह ने आसान किया है और अल्लाह चाहते हैं कि हम कुरान को सीखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में من من ولقد القرآن فهل अदबिल के अल्लाह ताली ने बेशक अल्लाह ने क़ुरान को आसान बना दिया जिक्र हासिल करने के लिए तो है तुम में से कोई ज़िक्र हासिल करने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार गुज़ार और एहसान मंद होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तोफ़ी दी कि हम अल्लाह के क़लाम को सीखने और सिखाने की इस मेहनत में हिस्सा डाल रहे हैं आज के सबक़ में आज का सबक बहुत इम्पोर्टेंट है आ, इसके अंदर हम शुरस पढ़ेंगे सूरतलफलक पढ़ेंगे ये वो सूरतें हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा जिसकी तलावत करते हैं नमाज में तो इंशाल्लाह अगर इसको हम समझ जाएंगे तो वो जब भी हम शुरस और सुरःल पढ़ेंगे तो हम उसको समझ के पढ़ेंगे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो अभी तक हम टेबल पढ़ रहे थे ग्रामर का उसको हम इनहस करेंगे उसमें और चीज़ें डालेंगे और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक वर्ड अगर आपको मिलता है अरबिक का सोर्स वर्ड जिसको मस्दर कहते हैं उससे आप पूरा टेबल पॉपुलेट कर सकेंगे तो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि फ़ेल माजी होता है फ़ेल मज़ारे होता है और किस तरह एक से हम दूसरे को बना सकते हैं जैसे फ़ाला फ़ालू फ़ाअल फ़ाल तुम फ़ालतू फ़ालना ये तमाम सीगे जो हैं ये हैं फ़ाल ही के लेकिन इसके डूअर जब चेंज होता है थर्ड पर्सन फ्लूरल या सकेंड पर्सन सिंगुलर या फ्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फ्लूरल तो ये इसके सीगे चेंज हो जाते हैं फिर हमने देखा था कि जो मुजारे हैं उसके अंदर भी इसी तरह हम सीगे बना सकते हैं थर्ड पर्सन के लिए सेकेंड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए फ्लूरल के लिए ऑन so आज हम देखेंगे कि फेल माजी और फेल मुजारे के अलावा यानी कि पास्ट और प्रेजेंट के अलावा फेल अमर और नहीं भी होता यह हम पढ़ चुके हैं इन पासिंग लेकिन आज उसको हम फॉर्मली देखेंगे जैसे कि लफ्स है कुल कहिए अब ये फेल अमर है और अगर मैं कहूँ ला तकुल तो ये फेल नहीं है यानी कि प्रोहिबिट करना किसी चीज़ से मना करना तो फिर हमारा टेबल जब भी बनेगा किसी भी वर्ब के लिए तो वो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी माजी मोज़ारे अमर और नहीं तो इन ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है आइंदा जितने भी इसबाक होंगे उनमें यह चीज़ जो है टेबल इस तरह बना करेगा तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आज का सबक अच्छी तरह पूरी तवज्जो से सुने और उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इस सबक के आखिर में इंशाल्लाह हम इकसठ अलफा सीख चुके होंगे तो इस पूरे कोर्स में हमने 125 ट्वेंटी फाइव वर्ड सीखने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन आधे जो है अल्फाज सीख चुके होंगे जिस सूरत को आज हमने पढ़ना है वो है सूरत अखलास ये एक बहुत ही मरूफ़ सूरत है हर किसी को आती है तीन इसके अंदर आयात हैं और ये एक तो का पैगाम इसके अंदर है कि जो इस्लाम जो कि तोहद की बेसिस पर है और जो हम कलमा भी पढ़ते हैं कि ला, है ला तो उसके अंदर भी तोहद है और उसकी एक मकमल उसका इजहार इस सूरत में है بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ये सूरज जो है ये इब्तदाई मक्की दौर की है इसका नाम अखलास है अखलास का मतलब होता है किसी चीज़ को खालिस करना यानी अगर हम अपने अकीदे को अपने अबूदीत को अपनी अकीदत को इन सब चीज़ों को खालिस कर लें और अल्लाह से अपने आप को दूर कर लें और सारा का सारा जो अपना अपनी मोहब्बत है अपनी अजमत है अपने उम्मीदें हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह की तरफ अगर हम आ, उस उसमें रुजू अल्लाह की तरफ करें तो इसको अखलास कहेंगे अखलास का जो मतजाद है वो शिरक हो जाएगा और अखलास सिंसेरिटी के लिए भी आता है होलनेस के लिए भी आता है ख़ालस लफ्ज भी इसी से निकला हुआ है तो ये तमाम रूट रूटवर्ड ख, आ, ख लाम और स्वाद से बने हैं जिसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को प्योरीफाई करना आ, ये सूरत जो है ये लोगों के इस्तार या सवाल के जवाब में नाजिल हुई थी जिसमें जो कुरैश के लोग थे उन्होंने अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप हमें दावत देते हैं उस टाइम पर बहुत सारे इलाह थे जो के मरूफ थे और अल्लाह को भी जो क्रैश के कुफार थे वो मानते थे अल्लाह खालिक है ये मानते थे वो इसकी तरफ इशारा कुरान मजीद में भी है जब उनसे सवाल किया जाता था कि किसने सब बनाया तो वो कहते थे अल्लाह ने बनाया लेकिन वो उसके साथ लोगों को शिरक करते थे तो लात लात व उज्जा और और भी जितने भी उन्होंने अपने देवता घर लिए हुए थे वो तमाम सोचते थे कि उनका जिस तरह खुदाई के अंदर कुछ हिस्सा है या वो अल्लाह के जिस तरह कोई असिस्टेंट्स हैं नाज़ूबिल्ला तो इसके बारे में जब लोगों ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप किस माबूद की तरफ इबादत के लिए हमें आपकी दावत किस माबूद की इबादत के लिए तो उसके जवाब में एक बहुत ही मुख्तर और जाम सूरत नाजिल हुई और इस सूरत की फ़जीलत ये है कि इसको पढ़ना इस तरह है जैसे एक तो एक तिहाई कुरान की तलावत करना है उसके बराबर इसकी तलावत की फ़जीलत है सवाब के लिहाज से और इसको जब हम लोगों को दावत देते हैं अल्लाह का तारफ़ कराते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ी है रसूल के मामूल में था कि वह हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा शुर अखलाश पढ़ते थे तो ये जो हम अभी बातें पढ़ रहे हैं इसको अमल की नीयत से इन आप सुनें और उसको प्रैक्टिस करें आज से आप हर फर्ज नमाज के बाद ख़लास पढ़ लें जैसे बताया गया कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है तो और ये जो मशनून अमल है मशनून अमल कहते हैं जो कि नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा कुल्हूअल अहद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद ये हर नमाज के बाद पांचों वक्त जो नमाज है फ़र्ज़ नमाज उसके बाद पढ़ लीजिए मगरिब और फजर यानी कि जो टाइम है जिसमें दिन और रात की तब्दीली हो रही है उसमें मसनू अमल है कि तीन दफ़ा जो है सूरह इखलास पढ़ना और आइंदा जब हम सूरह फलक पढ़ेंगे उसमें जो म ज़तिन है आखिर की जो खलाऊ बेबल फलक और खलाऊ बेब नस उनको पढ़ना भी मसनू है और मगरब और फजर की जो दो सुन्नतें हैं उसमें भी रसूल से साबित है कि वो अक्सर सुरखलास पढ़ते थे और ख़ाना कबा के जो तवाफ़ के बाद दो रकात पढ़े जाते हैं नफल उसके अंदर भी रसोल वसम जो है वो इस सूरत की तलावत करते थे जिससे पता चलता है कि ये कितनी अजीम सूरत है इस सूरत की जो पहली आयत है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है कुल हु लॉह अहद इसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है कुल ये फेल अम्र है इसके लिए हम इशारा ऐसे करते हैं आप देखेंगे कि हम टी पी आई मेथड में थर्ड पर्सन के लिए भी इशारा है सेकेंड पर्सन के लिए भी है फर्स्ट पर्सन के लिए भी है अगर हमने फैले अमर का इशारा करना है तो हम ऐसे करेंगे कुल कुल का मतलब है कह दीजिए और इसका माजी है काला उस एक शख्स ने कहा इसका मुज़ारे है याकूलू जो कि होगा कि वो एक शख्स कहता है या कहेगा और अगर हमने कहना हो कि तुम कहो तो कहेंगे कुल तो अल्लाह ताला हमें ऑर्डर करते हैं कि कहिए कह दीजिए कुल क्या कहें हम हु और हुआ जो है ये ऐसम ज़मीर है और इसका इशारा इस तरफ होगा हुआ और हमने पढ़ा था हुआ हुम अंता अंतुम तुम अना नहनु तो ये तमाम एसम जमायर हैं प्रोनाउंस हैं हुआ का मतलब है कि वो कुल हुआ अल्लाहु कि वो है अल्लाह कि कह दीजिए कि वो है अल्लाह अल्लाह क्या है उसके बारे में खबर ये आ रही है कि अल्लाह अल्ला यकता है अकेला है यूनिक है तो ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है कि जिसकी तरह और कोई ना हो तो ये हमारा आसान फार्मूला है कि किस तरह हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अपने इस लेसन से तो इन कोशिश करें कि तवज्जो फहम तस्वर एहसास के साथ हम ये लेसन पढ़ें इससे हमें सबक क्या मिलता है हमें सबक जो हमारा प्लान है कि जी पहले हम इस पर दुआ करें एहतसाब करें प्लान बनाएं और फिर तबलीग की सोचें फिर इससे इसका पूरा जो इस आयत का हक है उसको हम हासिल कर करने वाले बन सकेंगे तो इसमें दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि कुल हूँ अल्लाह अहद तो हम कॉल और फेल से कहने वाले बने कि अल्लाह ताला जो हैं वो अहद हैं और आपको पता होगा कि हजरत बल का जिस तरह वाक़ा है जब उन पर झुलम किया जाता था और उनको दावत दी जाती थी कि शिर करो तो उन्होंने इस का रास्ता अख्तियार किया और वह बार बार यही लफ्ज़ कहते थे अहदुन अहद कि अल्लाह अल्ला पूरा जिसका मतलब है कि अल्लाह जो है वह अहद है तो इसमें हम अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे सिर्फ अपनी ही इबादत की तौफीक दे और अपने गैर से अपनी अल्लाह के गैर जो है तमाम मखलूक है उससे हम मायूस हो जाएं और अल्लाह ही के तरफ हमारी सारी तवज्जो और जो अल्लाह की ही तरफ हम रुजू करने वाले बने अल्लाह ही की इबादत करने वाले बने अल्लाह ही से मदद मांगने वाले बने और एहतसाब का मतलब होता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करना तो हम सोचें कि क्या मैं अल्लाह को अपना इलाह मानता हूँ कि नहीं क्योंकि इलाह का एक मफहम तो ये है कि माबूद और एक और मफहम ये है कि जिस जो जिसकी इतबा की जाए तो क्या मैं अल्लाह की बात मानता हूँ या मैं अपने हवा नफ्स की बात मानता हूँ तो कुरान मजीद में एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपने डिजायर्स को अपना खुदा बना लिया तो वो आयत उसका हिस्सा ये है कि अफराई तमान तुमने उस क्या ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी डिजायर्स को हवा हो अपनी डिजायर्स को इलाहा हो अपना खुदा बना लिया तो हम अपना एहत करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं हम अपने नफ्स के बंदे नहीं हैं तो हमने जहाँ भी इसके अंदर कोई अपोजिशन होगी तो हमने अपने नफ्स को दबाना है और अल्लाह के हुक्म को जो है बुलंद करना है और उस पर अमल करना है उसके बाद दूसरी चीज़ जिसका हमने एक तो नफ्स हमारे साथ है जो हमारी डिज़ायर्स हैं उसके अलावा शैतान जो है वो हमें बहकाने की कोशिश करता है तो कितनी बार शैतान की बात मानी इसका भी एहसाब करें क्योंकि अल्लाह ताला शरा यासिन में इरसाद फरमाते हैं कि अल्लाह तब इन नकुम आदमुबीन के ना करो तुम शैतान की जो है उसकी इबादत या उसकी इतबा क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है तो हमने एहतसाब करना है कि क्या मैं अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे चल रहा हूँ कहीं मैं अल्लाह की मासीत में तो नहीं लगा और मासीत किस तरह इंसान उस पर लगता है या शैतान के रस्ते पे चल के या फिर यह कि अपने हवाए नफ्स को उसकी इतबा करके और अल्लाह की हदायत को छोड़ के ठीक है तो एक इसके अंदर ये भी हमारे लिए तालीम है कि अपने हवाए नफ्स को शरीयत के ताबे करें ताकि आपके डिजायर शरीयत के मुताबिक बन जाएं ठीक है तो हवाए नफ्स की कब इतबा करनी जब वो शरीयत से मुतदम है और अपनी तरबियत का मतलब ये है कि अपने डिजायर्स को ही इस तरह बना लें कि आपको जो अल्लाह चाहता है वो चीज़ आप डिज़ायर करने लग जाए तो जब इस तरह होगा तो इंसान की तरबियत मुकम्मल होती है इसके लिए मावन होता है कि अच्छे लोगों के साथ रहना अल्लाह वालों के साथ रहना तो वो फिर आपकी तरबियत करते हैं अगर व्याआ जबिल्ला हम देखते हैं कि हम अपने नफ्स की जो है बात मानने वालों में से हैं शैतान के रास्ते पर चलने वाले में से हैं तो देखें एहत करें ऐसा क्यों है क्या ये ख़राब दोस्तों की वजह से है क्या ये ख़राब मीडिया की वजह से है क्या ये इंटरनेट टी मोबाइल फ़ोन की वजह से है जिस भी वजह से है उससे अपने आप को फिर दूर करने की कोशिश करें ये आपका प्लान होगा कि मैं किस तरह अल्लाह की एतात में आऊँ और फिर तबलीग के लिए इस बात को आगे फैलाने की कोशिश करना कि अल्लाह ने हमें कहा कुल हूँ अल्लाह तो खुद भी कहो और जब खुद कहोगे तो लोग लोगों तक भी यह पैगाम पहुँचेगा और जिस तरह वसल्लम ने हुज़ेत-ul-वेदा में कहा कि बल्ले वो आनी के पहच आगे मेरी तरफ से बात को पहुँचाओ वलव आया कि बेशक एक आयत ही हो मेरे से बात आगे लोगों को पहुँचाओ क्योंकि हो सकता है कि जो सुन रहा हो वो उसको बेहतर समझे उस पर उसका बेहतर अमल हो तो जो आपने आगे बात पहुँचाई होगी तो उसका पूरा पूरा सवाब जब वो अमल करेगा आपको भी मिलेगा तो ये एक एक्सपिनशल बिजनेस है जिस तरह दुनिया में बिज़नेस जो होते हैं ना उनके अंदर रिटर्न जो है वो बहुत कम होते हैं पर यहाँ रिटर्न गारंटीड है तो इसके लिए आ, जो हमारी प्रोसेस है दुआ एहत प्लान और तबलीग और कदम बढ़ाना ये नहीं कि सिर्फ एक तर्जमा पर एक नहीं करना असल चीज़ ये है कि इसको प्रैक्टिस में लाना तो जिस तरह पिछली स्लाइड पर बात हुई कि आप हर नमाज के बाद इसकी तिलावत करें और फर और मगरब के बाद इसकी तीन दफ़ा आप तिलावत करें और इसमें ये हमें जो सबक मिल रहा है इस पर भी हम आ, सोचो फिक्र हमारी हो कि भाई किस तरह इसको मैं अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ तो हम यहाँ तस्वर एहसास और दुआ के साथ जिस तरह अभी डिस्कस हुआ इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कुल हुआ है। कह दीजिए वो अल्ला ये की पहली आया उसी तरफ आते हैं अल्लाह ये जुमले का पहला पार्ट है अल्लाह आगे इसकी खबर आएगी और खबर क्या है कि अल्लाह असमद अस है इनफैक्ट यहाँ आप नोट करें तो ये आगे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की ये सिफत है कि अल्लाह जो है कौन सा अल्लाह अल्लाह अहद अल्लाह अहद है अल्लाह कौन है वो अल्लाह वो है जो असमद है और ये अल्लाह की सिफत है जो कि सिर्फ अल्लाह की सिफत है अल्लाह की तमाम सिफत जो है वो खालिस अल्लाह की हैं उसमें कोई किसी तरह भी शरीक नहीं है, तो की है नहीं। आ, वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास है तो असमद का यहाँ मतलब ये है कि ऐसी हस्ती जिस पर हर कोई डिपेंड करता हो और वो किसी पर भी डिपेंड ना करता हो ठीक तो है सब उसके मोहताज हैं वो किसी मोहताज नहीं तो अल्लाह ताला की ऐसी अजीम हस्ती है अल्लाह ताला अल्ला वल आखिर सबसे जो कदीम हस्ती है हमेशा रहने वाली हस्ती है जिस ज, जो ना पैदा हुई ना जिसको मौत आएगी अल्लाह ताला वो है जो तमाम दुनिया के तमाम जो अवामर हैं उनको अल्लाह ताला देख रहा है उसको उसका इंतज़ाम कर रहा है तो यहाँ इस चीज़ का इसको क्लरिफाई किया जा रहा है कि अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है और अल्लाह की हाजत हर किसी को है तो आ, जितने भी इंसान हैं तमाम मखलूक अल्लाह ही के करम से ज़िंदा हैं उसी से भीख मांग रहे हैं अल्लाह ही के सामने हर मखलूक फ़कीर है फ़कीर का मतलब होता है कि नीडी ठीक है अल्लाह ताली गनी है अल्लाह तर नख्श से पाक है हर नीड से पाक है और इंसान जो है और तमाम मखलूक जो हैं वो कम्प्लीटली नीडी हैं बिफोर अल्लाह सुबहाना व तआला और इस पर हमें ये एहसास हो कि अल्लाह तू मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा है और आगे भी कर और अपने गैर की तरफ मुझे ना मुतव कर और ना मुझे उनकी तरफ जो है कोई उम्मीद हो अपने गैर से मुझे गनी कर दे और अपना ही फकीर बनाए रख और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे तो सिर्फ अपना मोहताज बना किसी का मोहताज ना रख क्योंकि अल्लाह की तामद है ठीक है तो एक आपको एक बड़ा अच्छा नुकता बताता हूँ अगर आपको मौका मिले तो ने इखलास की तफसीर की है एक नॉन कन्वेंशनल तफसीर इस सेंस में कि उन्होंने उस पर एक नजम लिखी है इलामा इकबाल ने फारसी के अंदर जो दो किताबें शुरू में लिखी थी जैब खुदी तो उसके अंदर जो आखिर में बहुत ही उसका इम्प्रेस एंड है जिसमें वो ये बताते हैं शुरास की एक तफसीर बताते हैं और उसमें कहते हैं कि जो अल्लाह की सिफात हैं जैसे अल्लाह असमद है जब इंसान अल्लाह का बंदा बनता है तो अल्लाह ताला उस सिफत का एक हिस्सा जो है इंसान को दे देते हैं और वो सिफत का हिस्सा एक जहर है वो अल्लाह की सिफत एबसोल्यूट सेंस में सिर्फ अल्लाह की है पर अल्लाह ताला जैसे बेनियाज़ है अल्लाह ताला तो हर जो हर किसी से अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है अल्लाह किसी की नीड में नहीं है इंसान भी हर किसी की नीड से फारिग हो जाता है एक्सेप्ट अल्लाह पे डिपेंडेंस होती है तो अगर आप देखेंगे इकबाल इसमें बताते हैं हर आयत का किया है तो वो खैर हमारा मौजू नहीं है आज लेकिन अगर आपको मौका मिले तो रमूज बेखुदी की आखर का पढ़िएगा इंटरनेट पे आपको शायद मिल जाए तो उसमें वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि जब इंसान अल्लाह का फ़कीर बन जाता है तो वो हर किसी की हाजत से दूर हो जाता है उसको वो सिर्फ अल्लाह का फ़कीर है बाकी सबसे गनी हो जाता है जिसको हम इसला इस्तना कहते हैं कि इंसान अल्लाह से मांगने वाली चीज़ कि अल्लाह मुझे इस्तना अता फरमा के मैं हर किसी और से जो है बिल्कुल एक तरह से उन पे डिपेंडेंट ना रहो और जो यहाँ हमने आयत पढ़ी इसको दोबारा हम एक दफ़ा तस्वर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं और इसको आप अपने घरों में भी इन जिस तरह हमने पढ़ा उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये आयत है अल्लाह अल्लाह बेनयाज है तीसरी आयत है लम यलिद यद वमयल लम यलिद के अंदर जो लम लफ्ज़ है ये नफ़ी के लिए आता है ठीक है दो अल्फाज इसके लिए आते हैं लम आता है मुजारे के साथ और इसका मतलब होता है कि जब ये मुजारे के साथ आएगा जैसे कि यहाँ आया लम यलिद तो उसका सेंस जो हो जाता है वो पास्ट में चला जाता है डिड नाट की तरह का मतलब बन जाता है लम यलिद ना इसको किसी ने जना ठीक है और वलम यूलद ये भी लम इसको बेसिकली मनफी हर्फ है जिसका निगेट करने के लिए आता है यलिद का मतलब होता है उसने जना के जिस तरह टू गिव बर्थ इसको यलिद कहते हैं और यूलद होता है टू बी बॉन्ड तो ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया तो क्योंकि औलाद जो है वो एक ही जन्स की होती है माँ बाप और औलाद एक ही जन्स के होते हैं पर अल्लाह ताला जो है यकता है अल्लाह ताला की तरह कोई और नहीं है तो अल्लाह ताला के जब कुफार ने आके पूछा कि अल्लाह ताला का नसब हमें बताएं कि अल्लाह ताली की जो जिस तरह इंसानों का नसब होता है कि इस फैमिली से हैं और उनके वालदी हैं और उनकी औलाद इस तरह हैं लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक हैं तो इसलिए यहाँ बता दिया गया कि लम यलिद व लम यू इसके अंदर यलिद जो है ये फेल मुजारे है और इसके अंदर फेल माजी होगा और यलिद यदू जो है वो फ़ेल मज़ारे होगा और यू जो है उसमें फर्क यह है कि वो पैसिव फॉर्म है जैसे एक्टिव और पैसिव का फर्क होता है ठीक है आ, तो यहाँ ये यह फर्क है अब कैंडली अगर सब लोग माइक बंद कर लीजिए क्योंकि किसी के तरफ से आवाज़ें आ रही हैं तो, आ, वर्ब से रिलेटेड अगर आप नोट करें बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं ठीक है फैजान अगर आप काइंडली जो अन्य कर लीजिए अगर जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं वो उर्दू के अंदर अल्फाज होते हैं वालद वालदा औलाद वलादत उलाद, मीलाद इन सब का ताल्लुक़ जो है वो बर्ता है तो यहाँ ये तमाम अरबी से उर्दू के अंदर आए हैं तो जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं एक्सेप्ट के अरबी में विलादत नहीं कहते विलादह कहते हैं आखिर में ता मरबूता आता है और यूजुअली बाकी सारे इसी तरह अरबी में भी मौजूद है अच्छा ये वो जनता है क्योंकि ये फेल मजारे है लेकिन है ये एक्टिव एक्टिव और पैसिव में कब ये फर्क भी होता है कि एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना डूअर वो मालूम होता है और पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ़ द एक्शन वो अन होता है तो इस केस में दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे अगर दरवाज़ा खोलना इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो तो अगर कहा जाए कि मोहम्मद ने दरवाज़ा खोला तो ये एक्टिव है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है डूअर ऑफ़ दी एक्शन कौन है फाइल कौन है लेकिन अगर कहा जाए दरवाज़ा खोला गया तो इसमें ये नहीं पता चल रहा कि फाइल कौन है तो ये फिर एसिव हो जाएगा या जिसको हम मजहूल कहते हैं ठीक है मालूम और मजहूल एक्टिव और पैसिव इससे हमें क्या सबक मिलते हैं हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है किसी पे डिपेंड नहीं करते अल्लाह ताला का कोई हम जिनस नहीं है इंसान औलाद को इसलिए पसंद करता है क्योंकि इंसान थक जाता है या अकेलापन महसूस करता है या वो चाहता है कि मेरे कोई एड्स हो मेरे डिपेंड मुझे आ, स्ट्रेंथन करने के लिए मेरी पूरी एक ट्राइब हो पूरी एक फैमिली हो उसको ये ख़दशा होता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो बच्चे मेरे सहारा बनेंगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे इंसान सोचता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी औलाद जो है वो मेरा नाम लेगी और जी मेरे नाम इस तरह चलता रहेगा मैं नहीं रहूँगा फिर मेरा नाम चलता रहेगा मेरी एक लेगेसी रहेगी लेकिन अल्लाह ताला जो हैं इन तमाम कमजोरियों से पाक हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा इसलिए उसको औलाद की क्या ज़रूरत आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को सोचें कि इस पूरी दुनिया में तोहेद का पैगाम हमने आम करना है तो वन बिलियन या इससे भी ज्यादा जो लोग हैं जो शिरक करते हैं और उन वो इस चीज़ पर उनका यकीन नहीं है तो आ, हम इस चीज़ का इरादा करें कि हम इस पैगाम को पूरे आलम में लेके जाएंगे और ख़ुद भी कुरान को पूरा सीखेंगे और फिर कुरान की तबलीग करेंगे और उसका जो खाल अकीदा है तोहद का उसको आ, रिवाज देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो इसको हम पढ़ लें इस आयत को लम लम यूलद। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया तो जिस तरह बताया गया इसमें तोहिद का पैगाम है और अल्लाह ताला किस तरह गनी है इस चीज का पैगाम है और आखिर में जो हिस्सा है वो है वलम वमय लहुआन तो लम लफ्ज आप पढ़ चुके हैं लम नहीं के लिए आता है और यन जो है ये फिल्मारे है फिल्मारे की पहचान होती है कि शुरू में या तो हमजा होगा या या होगा या ता होगा जैसे यहाँ आप नोट कर सकते हैं शुरू में यकुन के शुरू में या है और इसका माजी क्या है कोई आप में से बता सकता है यकुन का माजी पढ़ा नहीं है पर जस्ट इन केस आप में से अगर कोई समन हेज दिस एक्स्ट्रा नॉलेज कि यकुन फेल मुजारे है तो इसका माजी क्या होगा रिमेंबर के मुजारे के लिए हम ऊपर इशारा करते हैं आप मेरा इशारा देख सक रहे हैं ना सर yes, और माजी के लिए हम नीचे इशारा करते हैं तो यकुन अगर मुजारे है तो माजी कुन? क्या होगा खुन तो फेल है अम्र होता है ठीक है कुन का मतलब होता है कि हो जा लेकिन फेल माजी क्या होगा फेल माजी होगा काना काना का मतलब है कि वो था और यूनू होता है कि वो है या होगा और कुन का मतलब है कि हो जा जैसे कि अल्लाह ताला अगर कहें कुन जिसका मतलब है कि हो जा फ या तो वो हो जाता है कन फून का मतलब है कि अल्लाह कहें हो जा तो वो हो जाता है और यहाँ है कि वलम या और वो नहीं है लहू वलम यकु लहू उस नहीं है उस जैसा कुफुवन तो वलम लहू नहीं है उस जैसा या उसके लिए कुफु लफ्ज जो है अरबी में आ, आ, इस्तेमाल होता है उर्दू में भी उस तरह का लफ्ज है हम आ, उसको आमतौर पे ना जब किसी की शादी हो निकाह हो तो इस तरह लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जो लड़के वाले और लड़की वाले आपस में बराबरी होनी चाहिए तो ये शरीयत के अंदर एक गाइडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि बाद में सोशल इश्यूज नहीं होते तो एक गाइडेंस है कि ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ लिहाज से उनके अंदर कुछ बराबरी होनी चाहिए कुफू होना चाहिए कुफू का मतलब है बराबर होना तो इस आयत में है कि वलम को लहू कुफुन के अल्लाह की तरह या उसका हम या उसका एक या उसके लेवल पर कोई भी नहीं है ठीक है तो जैसे बताया कि कुफू निका के लिए उसका मतलब होता है कि लड़की का ख़ानदान लड़के का ख़ानदान खूबसूरती के लिहाज से वजाहत के लिहाज से माल और दौलत के लिहाज से इज्जत के लिहाज से फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा तो वो शादी आमतौर पे नहीं चलती तो इसकी रियायत की शरीयत ने गाइड किया कि आपस में जो है कुछ मुनासिबत होनी चाहिए अगर नहीं है तो फिर वो रिकमेंडेड नहीं है तो अहद का यहाँ मतलब है कोई भी ठीक है एनी वन के तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो अहद के दो मतलब हो गए एक तो वाहिद से भी ज्यादा फॉर्म अहद एक ठीक है तोहिद भी इसी से है और वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद अहद किसी को भी मतलब एनी वन ठीक है एक है वन एक है एनी वन तो यहाँ हमें पता चलता है कि अल्लाह की तरह कोई नहीं है और इसे कुरान मजीद में एक और आयत में भी आया कि अल्लाह की मिसल कोई भी नहीं है कोई भी शे कोई भी हस्ती अल्लाह की तरह नहीं है तो यहाँ दिल में इसकी अजमत ऐसे छाए कि कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए ना जात में ना सिफात में ना हुकूक में और ना ही इख्तियारत में तो ये है अल्लाह की शान क्या आ, हम इसमें सोचें हम, हम हमारे लिए सबक है कि क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ कोई और भी है जिस जो मैं समझता हूँ मेरे काम बना सकता है जो मेरा हाजत रवा है या मुझे रिस्क देने वाला है अ, मेरी मुसीबतों को दूर करने वाला है मुझे सेहत देने वाला है मुझे नेमतों से नवाजने वाला है तो अगर है हमारे जहन में ऐसी चीज़ तो हम इस बातिल ख़्याल को जो है अपने जहन से निकालें क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो करने वाली ज़ात है कोई नफ़ा नहीं हमें पहुंचा सकता कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकता एक्सेप्ट विद व्हाट अल्लाह हैज़ डिक्रीड तो हमारा जो मर्ज है और हमारा जो तमाम जो उम्मीदें हैं वो अल्लाह के साथ हो ठीक है तो इसलिए हमें किसी और से उम्मीद रखने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है अल्लाह अकबर अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं अल्लाह ताला सबसे ताकतवर हैं और ये हमारे जहन में ख़्याल होना चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी हैं ठीक है तो यही जैसे वो जो कुरान मजीद का जो एक इस्लूब है कि वकील कि हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी हैं और वो बेहतरीन कारसाज है इसको इनशाला हम तस्वर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लें वलम याकुल लहू कुफून अहद और नहीं है उसका हमसर कोई तो ये एक इतनी जो है ना अजीम सूरत है कि इसके बारे में मनकूल है कि एक सहाबी थे जो कि शुरा अखलास को बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे यहाँ तक कि नमाज की हर रक़ात में वो शुराश पढ़ते थे तो जब उनसे उनके बारे में रसुल्ला सल्लाम को बताया गया कि ये इस तरह करते हैं हालांकि ये मखरू है कि एक ही सूरत बार बार पढ़ी जाए आम तौर पे तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसकी रीज़न बताई कि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है इस सूरत से तो रसूल अक्रम सम ने जब रिकगनाइज किया कि इन सहाबी का मामला ये है कि इनको इनके दिल में इतने तोहद है कि उनको इस सूरत से उसकी मुनासबत से मोहब्बत है तो उन्होंने कहा कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने जन्नत में दाखिल कर दिया तुमको तो तौहद की नेमत की जिसको कदर हो उसको बेइंतहा खुशी होगी और ये खालिसतन इस सूरत के अंदर तोहेद का पैगाम है यहाँ हमने ये दो दोफा सीखे अहद और इसके दो सेंस में था एक तो यकता और एक कोई और या और फिर लम हमने पढ़ा जिसका मतलब था कि डिड नॉट ग्रामर की तरफ आते हैं जो कि बहुत अहम एक मोमेंट है हमारे कोर्स में क्योंकि हम अपने टेबल को एनहेंस कर रहे हैं हमने फेल माजी पढ़ा हमने फेल मुजारे पढ़ा अब हम फेल अम्र पढ़ेंगे पर उससे पहले हम रिवाइज कर लें कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं हमने देखा कि फेल माजी और फेल मुज़ारे उसमें हर एक के अंदर हमने छः छः सीगे देखे थे थर्ड पर्सन के दो सेकेंड पर्सन के दो और फर्स्ट पर्सन के दो तो अगर फ़ाला लफ्ज़ के लिए मैंने पूरा टेबल पढ़ना हो तो मैं कहूँगा फ़ाला फ़ालू फालता फ़ालतुम फ़ालतू फालना उसके बाद माजी के बाद जब हम मुजारे पर जाएंगे तो थोड़ा हाथ को रेस करके और आवाज को ऊंचा करके इंडिकेट करने के लिए अपने जहन को कि ये फर्क चीज है हम पढ़ेंगे ये फालू, ये एक उंगली और फिर चार ता फालू, ता ना तो ये पूरा टेबल अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इन तो फिर आपके लिए ये चीज आसान होगी अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम अभी वर्चुअली पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन स्ट्रैटी ये होगी कि आप टीम्स बनाएं तो उसके लिए हम ये करेंगे कि आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनफॉर्म करें आ, हमारे जो ये हैं कि भाई हम इन लोगों के साथ मिल करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपके लिए ना वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि भाई मैं अकेला अगर नहीं कर रहा तो मेरे साथ और भी कोई इफेक्ट हो रहा है तो आप दो लोग मिलकर अगर करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा आपने पढ़ना है फाल फालू फालता फ़ालतु फालतू फाल यलू यलूना त फ आलू तफ आलू आलू ये वो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं अब हम आगे आज के सबक में देखते हैं कि दो चीज़ें नई हैं फेले अम्र और फेले नहीं ठीक है फेले अमर के लिए हम ऐसे इशारा करेंगे ऐसे कि करो और नहीं के लिए हम ऐसे इशारा करेंगे अगर मैंने कहना होना अभी तो हम सारा करके आए हैं फाल फालू उस एक शख्स ने किया उन तमाम अशास ने किया फालता तुमने किया तुम सब ने किया फाल तू मैंने किया फालना हम सब ने किया अगर मैं कहूँ ए फाल इसका मतलब होगा कि तुम करो इसको करने का तरीका क्या है कि शुरू में हमजा और जेर लगा दिया अरबी में ये हमजा है उर्दू में इसको अलिफ आप कह सकते हैं अरबी में जो अलिफ़ के ऊपर जबर जेर पेश नहीं होता पर आप इसको यहाँ देख रहे हैं सिम्पलीफाई किया हुआ आमतौर पर अरबी में ये हमजा के नीचे जेर है तो आप कहेंगे इफ आल इफ आल का मतलब है कि तू कर अगर मैं कहूँगा एफ आलू तो इसका मतलब है कि तुम तमाम लोग करो अगर मैं कहूँ ला तफाल, तो इसका मतलब है कि तुम लोग ना करो तुम लोग नहीं कि तुम ना करो ला तफाल, क्योंकि तफ आलू का मतलब आपको पता है इशारा उसका है तफ आलू तुम करते हो या करोगे अगर मैं उससे पहले ला लगा दूँ तो इसका मतलब है कि तुम ना करो तो इसके लिए होगा ला तफाल तुम ना करो ला तफ़ आलू तुम लोग मत करो तो ये इस तरह हमने अपने टेबल को एनहेंस कर लिया और अब आप देखें कि टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे फेल है अमर और फेल है नहीं भी आ गया तो अब आप मुझे देखें और इसको इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है क्योंकि आइंदा अभी हमने सिर्फ एक फेल के लिए करना है बाद में फेल के डिफरेंट क्लस्टर्स हैं या उनको हम अववाब कहते हैं एक तरह से फाला और यफ आलू इनका टेबल बनता है एक और वर्ब है मिसाल के तौर पर नंग सुरु उसका थोड़े से फर्क हो जाते हैं आप अगर नोट करें यहाँ फला फॉलू है वहां है नसरा तो तीसरा जो स्वाद है उस पर पेश है थोड़ा थोड़ा फर्क होता है लेकिन उसकी भी आपको लहदा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि उसका पूरा एक अपना एक उसको हम कहते हैं बाब है एक पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं जो उस तरह जो हैं उनके अंदर एराब के अंदर जब मुजारे आएगा तो थर्ड लेटर पे पेश होगा तो खैर अभी आप यहाँ देखें कि किस तरह माजी के छः सीगे हैं मुजारे के छः सी हैं दो सीगे फेले अमर के हैं और दो सीगे फेले नहीं के हैं तो अब आप मुझे नोट करें और फिर इसको रिपीट कीजिए बल्कि आप मेरे साथ क्योंकि हम अभी इसको थोड़ा सा देख चुके हैं जैसे मैं कर रहा हूँ आप अपने घरों में भी करें फ़ाला फालू उस एक शख़्स ने किया उन तमाम अशास ने किया फालू फालू के आखिर में वह और अलिफ है जो कि जमा की इंडिकेशन है फ़ालता फ़ाल तुम तुमने किया तुम सब ने किया फ़ालतू फ मैंने किया हम सब ने किया यह फ़ाल आलो आलू न अब इसके अंदर आखिर में वा और नून है नीचे वाऊ और अलिफ था और ऊपर वून है यस आलू यलूनालू तफ आलूनालू नफ आलू नफ आलू के अंदर वाव नून आखिर में नहीं है हालांकि तफ में और यफ में आखिर में जमा के शिखे में वाव नून था पर नफ आलू के अंदर वाव नून नहीं है और फिर जब आपने सैल अमर करना होगा तो कहेंगे इस आल इफ़ाल, एफ़ आलू के अंदर आप अगर नोट करें तो इट्स लाइक पास्ट का जो सी था ना फाला उसकी तरह शुरू में बस हमजा लगा दिया आखिर में वाहिफ आएगा फ्यूरल के लिए और जब आप ला तल कहते हैं तो ये मुजारे के सामने ला लगाया जा रहा है ला तफ़ तफाल, ला ल ला आलू के आखिर में भी वाहिफ है इसमें नून नहीं है तो ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं गेटिंग यूज टू और इसके लिए आप अपना होमवर्क करें और आपस में प्रैक्टिस करें तो इनशा ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी तो अब आप ये इसको प्रैक्टिस करें अरबी अल्फाज के टुकड़े अलग करके इनका तर्जुमा करें फला इसको बताएं जी इसका क्या तर्जुमा होगा फ़ और फला क्या मतलब होगा इसका बस उसने किया जी बस उसने किया आलू यफ आलूना का इशारा होगा ऐसे ऊपर की तरफ ठीक है थर्ड पर्सन प्लोरल यफ आलू वो सब ये करते हैं या करेंगे वो सब करते हैं इसको आखिर में है ना तो वो बता रहे यफ आलू ना वो सब लोग ये करते हैं फ आला हू फ आला का क्या इशारा है जी इस तरफ के वो करता है वो क्या करता है या उसने किया इनफैक्ट ये माजी है फाला उसने किया वो काम जो आखिर में हु से रेफर हो रहा है उसने काम किया वो वफ वफ आल अच्छा इसका जरा ब्रेक डाउन करें वा है उसके बाद क्या है फाली नहीं ये जो आज हमने पढ़ा है ना वो है आज हमने क्या पढ़ा है फेल माजी मजारे तो पहले पढ़ा हुआ था आज पहले अमर पढ़ा है आज हमने तो वह इफ आलू अल खैरा अब आप इसका तर्जुमा करें और अच्छे काम करो जी और तुम लोग सब अच्छे काम करो और करो तुम सब भलाई के काम इफ अल हाद इफ अल का मतलब है करो हादा ये काम करो ये काम फला रबू का फला का इशारा होता है इस तरफ के किया रबू का के तुम्हारे रब ने किया तो जो जिसपे पेश लगा होता है ना वो सब्जेक्ट होता है फाला अगर सिर्फ कहें तो मतलब है ही इट लेकिन जब फाला रब्बू का हुआ तो पता चल गया कि ही कौन है रब रब्बू का तुम्हारे रब ने ये किया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेबल किया अब हम देखते हैं उर्दू से अरबी में तर्जुमा वो करता है ये मुजारे हो जाएगा क्योंकि करता है ना प्रेजेंट के सेंस में आ जाएगा क्या होगा जी वो करता है ये इशारा है ऊपर की तरफ और थर्ड पर्सन वो करता है यफ आलू यफ आलू जी यफ आलू भी कह सकते हैं और हुआ लगा दें जस्ट टू एम्फोसाइज के ये इसका सब्जेक्ट जो है हुआ है ठीक है पर यह फालू भी ठीक है पस मत कर ये फ और मत कर ये के लिए होगा तो इसका हो जाएगा फला هذا फ हद फल هذا जिसने पैदा किया तुम सबको जिसने पैदा किया खला काम खला पैदा किया उसने तुम सबको अल्लादी जिसने अल्लादी खला वो जिसने पैदा किया तुम सबको मैंने किया और आपने किया इसके लिए ये सीखा होगा मैंने किया और आपने किया व आपने किया क्या होगा

तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस लेसन के एंड पे पहुँच गए हैं मैंने आपको जैसे एडवाइस किया आप टीम बना के काम करें क्योंकि इस कोर्स का भी एक मकसद है कि हम इजमाहीत के साथ कुरान से जुड़ें जब भी हम मिल के कुरान मजीद की तलावत करते हैं कुरान मजीद पर तदब्बर करते हैं कुरान मजीद की तालीम में मशगूल होते हैं तो अल्लाह की रहमत सकीनत उस महफिल पर नाजिल होती है अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपने पास मौजूद फरिश्तों में उनका जिक्र फ़रमाता है तो अल्लाह कितनी बढ़िया कितना बड़ा एजाज़ है मिलकर बैठने के बहुत फ़ायदे हैं एक तो ये है कि हर एक जो शख्स होगा वो तालब इलम भी है जैसे जिसकी फ़ज़ीलत है कि खैरकुमनतामल कर्ना तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है हर एक टीचर भी है और उसी हदीस का मस्ताक बनता है खैरकुमनतामल कर्ना वामा हुल कुरान सीखना पढ़ाना और एक दूसरे को याद कराना पाबंदी उससे आती है और अकेले पर शैतान का हमला ज़्यादा होता है लेकिन जब आप मिलके करते हैं तो उससे जो एक टीम वर्क की वजह से सबके लिए आसान हो जाता है और उसमें फिर मुसाबकत का शौक़ भी होता है कि जी मैं पीछे जा रहा हूँ बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता कोई किसी में कमज़ोरी आ रही है तो दूसरे से वो हिम्मत पकड़ सकता है तो ये माहौल का फ़ायदा होता है हमने ये दोफाज आज सीखे आज के पहले सबक में नमाज के एक मतलसर बात के नमाज एक मुलाकात है अल्लाह से तो इसकी तैयारी करें और उसके लिए जो पूरे जितना आपका वज़ू अच्छा होगा उतना आप नमाज के लिए तैयारी आपकी बेहतर होगी तो पूरी अल्लाह की खशियत के साथ और के साथ जो है नमाज के आ, को वेलकम करें तो ये बहुत बड़ा एक अल्लाह का तोहफ़ा है नमाज को कभी ना छोड़ें और हर जगह जो है उसका एहतमाम करें कोशिश करें जहाँ हो सके जमात के साथ पढ़ें जो हमारे मिल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मस्जिद में पढ़ें वरना अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ मस्जिद नहीं है तो मिल के आपस में जमात करें तो इसका एहतमाम करें क्योंकि जो जिस तरह हमने बात की कि हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ हम ट्रांसलेशन सीख सकें मकसद ये है कि हम नमाज को मवसर बनाएं और नमाज मवसर तब बनेगी जब हम उसका अहतमाम करें और उसका एहतमाम नमाज की तकबीर तहरीमा से पहले होता है तो इन उसकी हम तमाम लोग कोशिश करें तो अलहमद इस से हम फर्स्ट लेसन के एंड तक पहुंचते हैं आ, इस पर हम अभी लेसन को फिनिश करते हैं फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आएंगे दूसरे लेसन के साथ सुभानक اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك तो आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो इस टाइम पे पूछ